नमस्कार मित्रों, सीपी के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ रीट भर्ती से संबंधित बड़ी खबर। पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल दी जाएगी। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम देखते हैं आज की पूरी ऑफिशियल न्यूज। देखिए मित्रों, स्क्रीन पर आज की पूरी ऑफिशियल न्यूज। 11 के बाद पूरा होगा लाखों युवाओं का सरकारी नौकरी का इंतजार। युवाओं के शिक्षक बनने की आज थोड़ी दूर, अब फरवरी में परीक्षा मुश्किल। श्री गंगानगर से आज की बड़ी खबर। प्रदेश के 12 लाख से अधिक युवाओं के शिक्षक बनने की आज थोड़ी दूर हो गई। बीएसटीसी वो बीएड डिग्री धारी युवाओं के अरमान पहले कोरोना तो फिर नियमों और पैटर्न के बीच में उलझ गए। अब रीट की विज्ञप्ति चुनाव आयोग की आचार संहिता के फेर में फंस गई है। अब इसकी विज्ञप्ति 11 दिसंबर के बाद जारी होगी। दोस्तों, आज की बड़ी खबर आ रही है रीट भर्ती से संबंधित, यानी 11 दिसंबर के बाद कभी भी इसकी विज्ञप्ति है वो जारी हो सकती है। रीट के जरिए प्रदेश के 31,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होनी है। शिक्षा विभाग की ओर से अनुमति के लिए निर्वाचन विभाग को दो बार फाइल भेजी गई थी, लेकिन दो बार भी नियमों के फेर में निर्वाचन विभाग में इसकी अनुमति नहीं दी और वापस फाइल को है शिक्षा विभाग को लौटा दी थी। रीट की विज्ञप्ति में देरी से अब फरवरी में परीक्षा होना मुश्किल नजर आ रहा है। दोस्तों अब ये परीक्षा है फरवरी में किसी भी हालत में नहीं होगी। एक्सपर्ट का कहना है कि यदि 11 दिसंबर के बाद विज्ञप्ति जारी होती है तो जनवरी तक आवेदन प्रक्रिया दौर चलेगा। इसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी परीक्षाओं के हिसाब से सेंटर निर्धारित करने में समय लगेगा। ऐसे मार्च से पहले परीक्षा होना मुश्किल नजर आ रहा है। दोस्तों, अब ये परीक्षा है मार्च से पहले नहीं होगी। सरकार ने रीट 2020 के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। आयोग ने माना है कि इस विज्ञप्ति से चुनाव प्रभावित हो सकता है। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया था। 3 बड़े बदलाव इस भर्ती में हुए हैं। एक तो है कि कुछ कैटेगरियों को अंकों में छूट का प्रावधान है, और दूसरा है जो कॉमर्स के विद्यार्थियों हैं उसको भी इस रीट में शामिल किया गया है, और उसके बाद में वेटेज है, जो पहले जो 70-30 था है अब उसको कर दिया है 90-30 का वेटेज है कर दिया है। और उसके बाद में एक बड़ी बात आ गई है कि पदों में बढ़ोतरी भी इसमें होगी। जो पहले 31,000 पद थे, यानी सरकार थोड़ी लेट भर्ती को निकालती है, तो इसमें पदों की बढ़ोतरी भी होगी। आपको ये न्यूज़ अच्छी लगती है इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।